हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक मैंने सिस्टम यहाँ पे चूज किया है, थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम। इसका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। थ्री इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल ऑफ साइड ए एस ऑन इन फिगर। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। सपोज कीजिए हमारे पास इनमें से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस चार्ज पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज करेंगे, क्योंकि कूलम्स का जो इनिशियल एक्सपेरिमेंटल लॉ है टू चार्ज पार्टिकल के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एनी कम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए अलाउ कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, जब मुझे इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसके साथ देखिए कितने पॉसिबल पेयर हैं। एक ये पेयर पॉसिबल है, सेकेंड ये पेयर पॉसिबल है, तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल में कितने फोर्स काम करेंगे, टू फोर्स काम करेंगे। इस पेयर के थ्रू ये कैसे लाइक चार्जेज हैं, तो यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। सपोज दैट दिस वैल्यू एफ वन बाई से, ये भी एक लाइक चार्जेज पेयर है, यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है फोर्स एफ टू। आप देखिए दिस पेयर और दिस पेयर सेम है, इनकी सेपरेशन भी सेम है, इसका मतलब है दिस एफ वन इक्वल टू एफ टू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहां से फिगर के थ्रू क्या मालूम हो रहा है, F1 दिस इज इक्वल टू F2। ये फिगर आपको बता रहा है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, और इस जब न्यूमेरिकल, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन, यहां पर सेपरेशन कितनी है ए, तो इसका डिवाइड कितने कर दे ई स्क्वायर। हम यहां से एज्यूम कर लें एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू दिस, और इसको एक सेम सिंबल देते हैं, सपोज दैट एफ वन। अब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना, आप देखें इस चार्ज पार्टिकल में टू फोर्सेज हैं, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यहाँ पर टू फोर्सेज के लिए पैलोग्राम कंप्लीट कंस्ट्रक्ट करेंगे, पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, और रिजल्टेंट फोर्स दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स एफ। अब एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल चाहिए, दिस एंगल कितना है, इक्वेटर ट्रायंगल है, दिस एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल भी 60 डिग्री हो गया। हम यहां से रिजल्टेंट फोर्स के लिए टू फोर्सेस का फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एफ वन एफ टू, एंगल कितना है कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसको यूज किया, और हमने हमें क्या मालूम है एफ वन एफ टू की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसको हम एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एफ वन एफ टू, यहाँ पर भी एफ नॉट स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई टू, एक टू फैक्टर कैंसिल हो रही है, यहाँ से वैल्यू कितनी होगी रूट 3 टाइम्स एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रूट 3 टाइम्स एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपके पास रेजिस्टेंट फोर्स की आपने कैलकुलेट कर दी। अब देखिए कि इस रेजिस्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स है, ये इसका मतलब दिस फोर्स क्या, रेजिस्टेंट फोर्स क्या होगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब दिस एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री, इसी टाइप से दिस एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपने देखा था कि इक्वेटर ट्रायंगल के वर्टिसेस पर जब मैंने थ्री चार्जेस प्लेस किए, मैंने फोर्स कैलकुलेट किया, सपोज दैट
इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर हम एक एक अनदर चार्ज प्लेस करते हैं, सपोज दैट दिस चार्ज इज क्यू नॉट। इसके सेंटर पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर एक एक्स्ट्रा चार्ज प्लेस किया क्यू नॉट। तो क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स एक्टिव ऑन दिस चार्ज। हमारे पास इस सिस्टम पर टोटल कितने चार्ज हैं? फोर चार्ज, थ्री चार्ज आपके वर्टिसेस पर हैं और फोर्थ चार्ज आपके पास सेंटर पर प्लेस है। तो सेंटर चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस सेंटर के साथ कितने पेयर बनेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। एक पेयर ये फॉर्म होगा, सेकंड पेयर ये, थर्ड पेयर ये, पर टोटल आपके पास थ्री पेयर फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका यहाँ पर कितने फोर्स काम करेंगे? थ्री फोर्सेज काम करेंगे। सपोज कीजिए इसका क्यू और क्यू नॉट का साइन सेम है, तो उस केस में आप फोर्सेज कैसे होंगे? रिपल्सिव फोर्स होंगे। तो इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर एक फोर्स पेपर मार्क करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एफ। आप देख रहे हैं ये पेयर कितना क्यू क्यू नॉट, ये पेयर कितना क्यू क्यू नॉट। तो आप देख रहे हैं दिस सेपरेशन इज इक्वल टू दिस सेपरेशन इज इक्वल टू दिस सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज इक्वल टू दिस सेपरेशन इज इक्वल टू दिस सेपरेशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू। इसका मतलब दिस फोर्स यदि एफ है तो इसके बीच में फोर्स की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी। यहां पर हम एफ फोर्स मार्क कर रहे हैं by same this इसके through force F। आप देख रहे हैं कि एक एक चार्ज पार्टी के लिए इस पर थ्री इक्वल फोर्सेज काम कर रहे हैं और इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। आप देखें यहाँ पर एंगल कितना होगा, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये सभी एंगल आपके पास सेम है। आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? 120। दिस एंगल 120, दिस एंगल 120, दिस एंगल 120। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर सिमेट्रिकल फोर्सेस काम करेंगे उसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? जीरो। एनी चार्ज पार्टिकल है उस पर यदि हमारे पास सिमेट्रिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसकी नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पॉलीगन आपके पास ड्रॉ करें उसकी पॉलीगन आपके पास क्या है? क्लोज पॉलीगन फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिग्मा F किस पर कैलकुलेट करना? Q नॉट चाहिए। इसकी नेट वैल्यू कितनी है? जीरो। आप कंपोनेंट के थ्रू भी कैलकुलेट करेंगे फाइनली आपको पता चलेगा कि नेट वैल्यू आपके पास जीरो हो रही है। तो हम इसको कंपोनेंट के थ्रू नहीं सॉल्व करें, डायरेक्ट सिमेट्रिक हमने यूज किया। इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में सिमेट्रिकल थ्री फोर्सेज काम कर रहे हैं और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एंगल आपके पास इनके बीच में सेम है, इसका सिमेट्रिकल फोर्सेज है, तो नेट वैल्यू ऑलवेज जीरो। इसका ये चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। अब हम थ्री चार्ज पार्टिकल की प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं।